वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई कुछ ऐसी साउथ फिल्मों के बारे में जो कि आपको इजीली ओटीटी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये सारी फिल्में फैमिली एंटरटेनिंग मूवी, तो आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना, ऑल का ऑप्शन क्लिक। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी पहली मूवी के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी फिल्म को जज मत करना, मैं रैंडमली यहाँ पर फिल्म का नाम लूंगा क्योंकि सारी फिल्म बहुत अच्छी है। हम लोग बात करेंगे तेलुगु मूवी जिसका नाम है आला वेकंता पुरमल्लू। इस मूवी में हमें नजर आते स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन। फिल्म की कहानी की बात है तो कहानी शुरू होती है बंटू यानी कि अल्लू अर्जुन से, जो कि गरीब फैमिली में रहते हैं और उसके फादर हमेशा उसे निग्लेक्ट करते हैं, हमेशा उसके नापसंद ही करते हैं। उसके अपोजिट एक और अमीर फैमिली जहां पर उसका एक बेटा भी और उस बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खैर, ये दोनों लड़कों की किस्मत कैसे आपस में कनेक्ट होती है, उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बोलता कि अगर आप फैमिली एंटरटेन मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए, जहां पर आपको इमोशंस, रोमांस और कॉमेडी सब कुछ देखने मिलेगा और स्पेशली यहां पर अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। फिल्म डेफिनेटली सारे के सारे जितनी भी फैमिली ऑडियंस है सबको अपील करती है और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं एक तमिल मूवी जिसका नाम है माफिया चैप्टर वन। ये मूवी की बात करो तो ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी। मूवी में हमें नजर आते हैं अरुण विजय जो कि यहाँ पे रोल प्ले करे आर्यन का, वो एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है और वो चाहते किसी भी तरह से शहर के जितने भी क्रिमिनल्स या शहर के जितने भी ड्रग माफिया वो खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो ड्रग सप्लायर है उनके पीछे बहुत बड़ा डॉन का हाथ है। अब वो डॉन को किस तरह से खत्म करेंगे और डॉन से किस तरह से सामना करेंगे, बेसिकली यही इस मूवी की कहानी है। सुनने में जितनी सिंपल लगती है लेकिन जब आप फिल्म को देखोगे तो आपको उतनी ही जबरदस्त भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ने इस फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से डायरेक्ट किया। यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर अलग अलग कैमरा एंगल देखने को मिलते हैं और ये सिंपल सी फिल्म को किस तरह से बेहतरीन बना को इस डायरेक्टर से सीखे। और यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो तो अरुण विजय ने बहुत ही शानदार काम कर दिखाया और कुल मिला के ये मूवी भी 2020 की वन ऑफ द बेस्ट तमिल मूवीज में से एक है। अब हम लोग बात करेंगे कन्नड़ मूवी जिसका नाम है माया बाजार 2016। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये मूवी भी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। अगर इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी में हमें तीन अलग अलग कैरेक्टर्स नजर आते हैं, यानी कि एक चोर, एक लवर और एक ईमानदार पुलिस वाला। खैर, इन तीनों कैरेक्टर की जिंदगी तब बदल जाती है, इनको पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम माया बाजार 2016। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक कॉमेडी जिसमें आपको इमोशन का तड़का भी देखने को मिले तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए। और स्पेशली इस मूवी में जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया और साथ साथ यहाँ पर पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर का एक बहुत ही जबरदस्त आइटम सॉन्ग भी देखने को मिलता है। तो ये मूवी आप जरूर देखना, ये मूवी फैमिली के साथ बैठ के देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और तमिल मूवी जिसका नाम है कन्नम कन्नम कोलाडी ताल। ये मूवी में हमें नजर आते हैं दुलकर सलमान की। कहानी की बात हो तो कहानी है दो दोस्तों की जो कि बहुत बड़े बड़े स्कैम करते हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई लव स्टोरी, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ही कुछ इसी तरह से होती है। लेकिन उसके बाद में जब ये दो दोस्त लोग स्कैम करना शुरू करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करना शुरू करते हैं, उसके बाद कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो कि बहुत जबरदस्त लगते हैं। लेकिन जो एक ट्विस्ट आता है वो आता है इंटरवल के जस्ट पहले, वो ट्विस्ट के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन वो ट्विस्ट के बाद ये पूरी फिल्म चेंज हो जाती है और मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनिंग मूवी जहां पर आप कहीं से भी बोर होते नहीं। और ये मूवी में कुछ भी ऐसी एडल्ट या कुछ भी ऐसी गंदी चीज मुझे पर्सनली महसूस नहीं, जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। तो इस वजह से ये मूवी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी और बहुत एंजॉय करोगे। अब हम लोग बात करते हैं कन्नड़ मूवी जिसका नाम है लव मॉकटेल। देखिए, ये फिल्म नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये फीलिंग है आदि की जिंदगी में किस तरह से प्यार आता है, फिर प्यार आने के बाद उसकी लाइफ किस तरह से बदलती है, बेसिकली यही कहानी है। और ये फिल्म आपको एक नरेशन के थ्रू बताई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्म के स्टार्ट होने के कुछ ही पल बाद आप आदि के कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है कि फिल्म से आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये फिल्म देखने के लिए आपको पॉपकॉर्न या तो फिर रिमोट लेने की हाथ में जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ में रुमाल या तो फिर हैंडकरचीफ को इंग्लिश में बोलते हैं ये लेकर बैठना, क्योंकि इस फिल्म के थ्रू आपकी आंखों में जो आंसू आएंगे आंसू रुकेंगे नहीं। और मैं आपको बता रहा, जब फिल्म खत्म होगी तो अगर आप लड़की तो आप आदि से प्यार करने लोगे, अगर आप लड़के हो तो आप कहीं ना कहीं आदि से खुद को कनेक्ट कर पाओगे। तो ये मूवी भी आप जरूर देखना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे मिल जाएगी। बात करेंगे एक मलयालम मूवी की जिस मूवी का नाम है ट्रांस। ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। इस मूवी की बात हो तो इस मूवी में हमें मेन लीड में नजर आते फहद फासिल, एक ऐसे ब्रिलियंट एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, फहद फासिल की अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म में जिसने उन्होंने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया ना, मुझे भी नहीं लगता कि कोई और एक्टर उनकी तरह भी परफॉर्म कर सकता है। खैर, इस मूवी की कहानी की बात हो तो कहानी है विजू प्रसाद की, यानी कि फहद फासिल की, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके बाद उनको एक ऐसा ऑफर मिलता है जो ऑफर उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलता है। वो ऑफर क्या था, उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, ये सब कुछ जानने के लिए कोई मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो
कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि कोई भी दूसरी इंडस्ट्री इस तरह की कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाने का सोच नहीं सकती, लेकिन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने इस तरह की कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई और फहद फासिल ने पूरी तरह से इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस दिया, बाय गॉड, मतलब यार वो एनर्जी आप फील कर सकते हो जब आप फिल्म को देखोगे ना, ट्रॉट डे वे आप बहुत एंजॉय करोगे। तो इसलिए ये फिल्म आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखना, और ये फिल्म में ऐसी कोई भी गंदगी मुझे पर्सनली महसूस नहीं हुई, तो इस वजह से ये फिल्म भी आप अपनी फैमिली साथ बैठ कर देख सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना, ये कुछ फिल्मों का कलेक्शन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्में देख चुके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मुसलसल वीडियो बनाता रहूं, यानी कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूं। तो बस यार इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को यहां तक देखा तो दिल से आपके लिए थैंक यू, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करना। तो टिल देन।